बच्चों हम पढ़ने जा रहे शब्दांश यानी शब्द के अंश। शब्द के अंश, शब्द प्लस अंश। अगर शब्द के अंश हम शब्द वर्गीकरण में शब्द अंश पढ़ते हैं तो शब्द अंश में एक तो शब्द अंश में एक आता है उपसर्ग और एक आता है प्रत्यय। यानी ये क्या है, शब्द के अंश है तो उपसर्ग और प्रत्यय। आपको पता है कि उपसर्ग वे शब्द शब्दांश या जो किसी शब्द या शब्दांश के आगे पूर्व या पहले जुड़कर अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो वे शब्द शब्दांश जो आगे पूर्व यानी पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अगर हम उपसर्ग की बात करें तो हिंदी में उपसर्ग के तीन भेद है, एक तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत के उपसर्ग है उसको कहते हैं तत्सम। तत्सम, तत्सम का मतलब है संस्कृत के वे उपसर्ग जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए वो कौन से उपसर्ग कहलाएंगे, तत्सम उपसर्ग कहलाएंगे। तो तत्सम उपसर्ग को हम मूल उपसर्ग कहते हैं। मूल उपसर्ग जो संस्कृत के हैं उनकी संख्या 22 होती है, 22 होती है। तो वो मूल उपसर्ग की संख्या 22 कौन कौन से उपसर्ग है, अब अति अधि अपि अभि अनु आंग जिसे आ से लिखते हैं, उप नेर नेस दुच दूर उद जिसको उत भी कहते हैं, और चम छु नी वी प्र प्रा प्रति और प्री। ये कुल तत्सम उपसर्ग है, इनकी संख्या 22 है। हिंदी के उपसर्ग इनको कहते हैं जो हिंदी में संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण कहेंगे उसको कहेंगे तद्भव। संस्कृत के उपसर्ग जिनको हिंदी में रूपांतरण किए गए उनको कहेंगे, तो उनकी संख्या फिक्स है नहीं, उनको कहेंगे तद्भव उपसर्ग। और विदेशी उपसर्ग हमारे देश में अनेक दूसरे विदेशी लोगों ने शासन किया तो विदेशी भाषा भी हमने ग्रहण की, तो विदेशी में जैसे उर्दू है, फारसी है, अंग्रेजी है, तो वे उपसर्ग जो उर्दू फारसी के पीछे लगते और उर्दू शब्द हैं वो कौन से होंगे, विदेशी या उर्दू उपसर्ग होंगे। जैसे मैं अब की बात करूं, अप उपसर्ग हैं जैसे अप उपसर्ग हैं तो ये इसकी संख्या अप जैसे मैंने लगाया अपकार अपेक्षा तो अपकार अपसा अपेक्षा अपेक्षा अपसार तो ये सभी के अपसार अपदन इक्षा अपदनकार ये आगे लग रहा है वो कौन सा है, उपसर्ग है। उसी तरह अव के अवकार है ऐसे शब्द अत्यंत अत्युक्ति अत्याचार अधिकार अत्याशा अध्यक्ष तो ये ऐसे हम उपसर्ग बनाएंगे। उसी प्रकार ये विदेशी उपसर्ग फिर पढ़ते इसी में दूसरे उपसर्ग का भेद में होते हैं शब्दांश के भेद में प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्द शब्दांश जो किसी शब्द शब्दांश के पीछे जुड़कर अर्थ में एक परिवर्तन का पीछे यानी बाद में जुड़कर अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। उनकी भी संख्या उनके भी भेद माने तो तीन है, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। लेकिन हम हिंदी के प्रत्यय की बात करें तो एक प्रत्यय कृत प्रत्यय और एक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो जो किसी आगे क्या होगी क्रिया क्रिया यानी जिसको कहते हैं संस्कृत में धातु, धातु के पीछे लगेंगे वो प्रत्यय कौन से होंगे, कृत प्रत्यय होंगे। उसी प्रकार तद्धित प्रत्यय ये शब्द के पीछे लगेंगे वो प्रत्यय कौन से होंगे, तद्धित प्रत्यय होंगे। इसी में मैं बात बन कुछ शब्द बताऊं जैसे अभिमानी, आपको दे दिया अभिमानी शब्द, इसमें कौन सा उपसर्ग है कौन सा मूल शब्द है, तो अभिमान अभी प्लस अभी है इसमें उपसर्ग है और मान मूल शब्द है और ई क्या है
प्रत्यय है। अज्ञानी में अ उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है और ई क्या है प्रत्यय है। स्वतंत्रता इसमें सब उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द है और ता क्या है प्रत्यय है। इसी तरह अध्यक्ष, आप अध्यक्ष में बताओ कौन सा उपसर्ग होगा, तो अध्यक्ष में अधि क्या है उपसर्ग है और अक्ष क्या है मूल शब्द है। प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है और एक मूल शब्द है। पराजय में परा उपसर्ग है और जय मूल शब्द है। तो ये जब हम बात करें शब्दांश यानी शब्द के अंश की, तो उसमें आते हैं एक तो उपसर्ग और एक प्रत्यय। उपसर्ग वे शब्द शब्दांश जो किसी शब्द शब्दांश के पीछे, मतलब उपसर्ग आगे जुड़कर अर्थ में आगे पहले पूर्व, ये शब्द आ जाए आगे पहले पूर्व जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। हमेशा शब्द शब्दांश या धातु के आगे जुड़ेंगे, पहले जुड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे उपसर्ग कहलाएंगे। प्रत्यय वे शब्द शब्दांश जो किसी शब्द शब्दांश या धातु के पीछे बाद में पश्चात जुड़कर अर्थ में क्या कर देते हैं परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। तो हिंदी में बात करें तो उपसर्ग के तीन भेद है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। तो ये मैंने आपको 22 उपसर्ग की संख्या बताई, मूल उपसर्ग कहते हैं। कुछ शब्दों के मैंने ये बताया आपको विशेष करके, और भी कुछ शब्द जैसे आप खुद भी कर सकते हो, जैसे मैं इसमें आपको कुछ ऐसे ले लूं कि स्वागत, आप बताओगे स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। तो स्वागत में यहां संधि हुई है, आगे स्वर रहित व्यंजन दिखाई दे रहा है और व आ रहा है, तो ये किसका व किसका आया है उ का आया है, तो सु उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है सु, व में कौन सा स्वर है आ, तो सुधन आगत, सुधन आगत उपसर्ग क्या है सु उपसर्ग है। स्वागत में उपसर्ग कौन सा है सु उपसर्ग है और आगत क्या है मूल शब्द है। यानी ऐसे देखो तो सुधन आधन गत इसका ये भी बनता है, तो मूल उपसर्ग गत सु और आग दोनों क्या है उपसर्ग है, लेकिन ये देखे तो सुधन आगत ये उपसर्ग है। इसी प्रकार मैं अगर बात करूं अभ्यर्थी, आपको पूछ लूं अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है अभ्यर्थी, तो अभ्यर्थी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी कुछ आपको मैं उपसर्ग बताएंगे कि इसमें उपसर्ग कौन सा, आप हम समझेंगे कुछ शब्दों को। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, उसमें से हम उपसर्ग और मूल शब्द दोनों को साटेंगे। जैसे मैं लिखता हूं पर्यावरण, परिवार, निर्जन, निस्सास, निष्फल, दुर्जन, दुर्वस्था, प्राकाष्ठा, अन्वेषण, उज्ज्वल, कुछ पहले इसमें कर देते। तो आपको बताओगे पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है बताओ, तो पर्यावरण में हमें सीधा ही देखा दे रहा है प और र है, र के बाद में ये आया, मतलब स्वर रहित पहले आया, र ऊपर होता है वो स्वर रहित होता है, अंदर रेप वाला र स्वर रहित होता है। तो अपन को पता है इसमें पर्यावरण में परि उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है परि, इसमें यण संधि भी हुई है, परिधन या में कौन सा स्वर है य में आ, तो आवरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण, तो परि उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है
परि उपसर्ग है, आवरण मूल शब्द है। उसी प्रकार परिवार में तो आप उसी तरीके से परिधन वार। अब बताओ कि निर्जन में कौन सा है, तो निर्जन में हमें सीधा अधिकार है, जो र ऊपर होता है वो सवर रहित तो नीर, और आपने 22 उपसर्ग में नीर उपसर्ग पढ़ा है तो नीर धन जन। उसी प्रकार निश्वास, तो इसमें तो आपको सीधा अधिकार जा रहा है निश धन सवर अलंत निशे मतलब सवर रहित है, और साहस निश्वास है। जैसे मैं इसमें निश तेज ले लूं तो निश तेज में भी कौन सा नीच धन तेज। अगर मैं इसमें निश्चय ले लूं, इसमें ही निश्चय शब्द ले लूं निश्चय, तो आप बताओगे इसमें कौन सा उपसर्ग है। आपको पता है ये स, तो ससुत्व व्यंजन संधि में इस स का ये स का ये स हो जाता है, क्योंकि आगे इस विषय नाम तालु, तालु वर्ण है तो तालु वाला स आता है। तो इसी प्रकार ये दंत्य स का, दंत्य स का तालव्य स हो जाता है। तो ये नीच धन क्षय तो उपसर्ग हमेशा नीच में ये उपसर्ग ये शब्द आए अपन को दिखाई दे रहा है, या ये दिखाई दे या ये दिखाई दे, तीनों में से कोई भी दिखाई दे तो हमें ये उपसर्ग माना जाएगा। उपसर्ग यही है निश। तो ये शब्द कैसे भी ये दिखाई दे के जैसे निष्फल दिखाई दे, हमें निच निच और निच तीनों में से कोई भी दिखाई दे लेकिन उपसर्ग हमेशा निस ही माना जाएगा। ये संधि के अनुसार है, अपने जो संधियां पढ़ी है निष्फल में अब बता दिया आपको कि ये इस दंत्य स का निच उपसर्ग यही होता है, तो निच धन फल दंत्य स के काम के बाद में ये पफ पफ आने के कारण कख आने के कारण ये मूर्धन्य स आता है, तो मूर्धन्य स का दंत्य स करेंगे हम। दुर्जन में आपको र दिखाई दे रहा है तो दूर धन जन। दुर्वस्था में आपको पता है कि दूर र और र में कौन सा अ, तो दूर उपसर्ग होता है और दूर धन अवस्था, दूर धन अवस्था। पराकाष्ठा में आपको सीधे बताया परा धन काष्ठा। अन्वेषण में तो आपको दिखाई दे रहा है अनु, व आया एक तो ऊ का व होता है यण संधि में, और व में कौन सा स्वर है ए, तो एषण अनुधन एषण। उज्ज्वल में आपको ससुत्व व्यंजन संधि में देखा है कि द का जमन है तो उद उपसर्ग है, कौन सा है उद, उद्धन जवल। ये जवल अपन शब्द श्रुति में ध्यान दे तो उज्ज्वल सवल बहुत बार पूछा है, तो उज्ज्वल में दोनों ज कैसे होते स्वर रहे तो होते है उद्धन जवल। आपको जैसे मैं कह दूं व्याकरण व्यवहार इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो व्याकरण में वी उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है वी, और ये के साथ क्या है आ और करण, तो दो उपसर्ग है वी और आ और करण मूल शब्द है। व्यवहार में भी वी अव और हार, तो हम ये कह सकते हैं कि एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। जिस प्रकार व्याकरण में वी धन आ धन करण बनाए, उसी प्रकार व्यवहार में वी धन अव धन हार बनाए, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। तो ये हमने उपसर्ग को समझा है और हमने विस्तृत अपनी जो क्लास ली उसमें विस्तृत समझा, एक एक शब्द को समझा के पढ़ाया, या तो हमने थोड़े जल्दबाजी में आपको समझाने के लिए किया है डेमो। धन्यवाद।